बिहार का कटिहार जिला के 6 ब्लॉक में लोग बाढ़ की मार से कराह रहे हैं। इस बीच लोगों का दुख दर्द जानने गए कटिहार के जेडीयू सांसद दुलाल चंद गोस्वामी ने विवादित बयान दिया है। गोस्वामी से एक आदमी ने अपनी परेशानी का इजहार किया, इससे गोस्वामी भड़क उठे। उन्होंने कहा कि तुरंत में समस्या का निदान नहीं हो पाएगा। उन्होंने कहा कि तारिक अनवर 5 बार सांसद बने तो भी कोई काम नहीं किया। गोस्वामी ने बताया कि 5 बार एमपी बनेंगे तब 6ठे बार में जाकर काम शुरू करेंगे। गोस्वामी ने पूर्व सांसद तारिक अनवर के लिए अमर्यादित शब्द का भी उपयोग किया। अभी 5 बार एमपी बनेंगे, तारीख नंबर 5 बार बना तो हम 5 बार बनेंगे, 6ठे बार में काम शुरू करेंगे। अरे इसमें उम्मीद है तो होगा। अभी तो लोग दौड़ रहा है, एक तरफ फ्लड खत्म हुआ, दूसरे तरफ फ्लड शुरू हुआ, और इतना जल्दीबाजी में मत रहिए। और हर बात का मेरे पास भी जवाब है पब्लिक के लिए। काम नहीं किया उसको 5,03,000 वोट, जो काम किया उसे लड़कर खस करके जीता, तो काम कैसे होगा, एनर्जी कहाँ से। हालांकि इस बीच सांसद के कुछ चेले जिंदाबाद के नारे भी लगाने से नहीं चूके। वहीं जेडीयू सांसद दुलाल चंद गोस्वामी ने पहले तो शिकायत करने वाले लड़के का नाम पूछा और फिर अपना सारा भड़ास शिकायत करने वाले युवक पर निकाल दिया। ठीक है, जेडीयू से रहे तो हमारे सर उससे मतलब क्या है, नाम जानना जरूरी है। देखिए आदमी को सजग रहना चाहिए, सतर्क रहना चाहिए, लेकिन इतना दबाव नहीं देना चाहिए। आप क्या दें, आप क्या मांग कर रहे हैं? मांग करिए, आप बोले कि 4 महीना हो गया, आप मेरा दिन तारीख देखते हैं तो दिन तारीख देखिएगा तो 5 बार एमपी बनेंगे, 6ठा बार से काम शुरू, और दिन तारीख नहीं देखिएगा तो एमपी सजग है, सतर्क है, काम में लगा हुआ। बात करिए, अगर जेडीयू में है तो फिर संजम से बात करिए, और जेडीयू में नहीं है तो कुछ भी बोलने का अधिकार है। ऐसा नहीं है सर। नहीं, ऐसा नहीं है, फिर तर्क नहीं करिए। दुलाल चंद गोस्वामी ने ये कहकर अपना इरादा जाहिर कर दिया कि अगले 5 बार तक भी गोस्वामी अगर सांसद बने तो कटिहार में कोई काम नहीं होने वाला। ऐसे में कटिहार की जनता को किसी दूसरे विकल्प के बारे में सोच लेना चाहिए, क्योंकि गोस्वामी जी तो अभी सालों तक आराम करने के ही मूड में है। पंजाब केसरी टीवी के लिए कटिहार से रितेश रंजन की रिपोर्ट।